साहेब रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं दावत तबलीगर द्वितीय आमिर छिलें तबे निजे निजे आमिर हन नाई बनानो मानुष उन्हीं दाबीओ करें तो मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ो एलमेर अधिकारी मानुष छिलें एलमी जगतेर मानुष छिलें परवर्तीकाले जखन दावत तबलीगे लागछें तो तबलीगर जगते तार बयान छिलो एमन जे बयान शोनार परे मानुष साधारण मानुष तो दूरेर कथा ओलामाए इकराम पर्यन्त तार सामने एतटाई निजेके छोटो करे फेलतें जे ओनार तश्किलेर परे उनी जे कथा बोलतें एटाके अबाध्य होवार मतो सुजोग छिलो ना तबे बड़ो आखलाकी मानुष छिलें एबं अनेक ओलामादेर ताजिम करे नेवा बड़ो आखलाकवाला छिलें एक बार अजमेर थेके एक आलिम आसछे मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के देखार जन्य तो जखन बांगलेवाली मस्जिदे आसछेन आयशा एकजनेर साथे देखा हयेछे तो ताके बोलछे भाई मुझे मौला यूसुफ साहब से मिला दोगे आमाके एकटु मौला यूसुफ साहेबेर साथे देखा कराई दिबा बोले अच्छा ठीक है आप कहाँ से आए अजमेर से अरे बहुत दूर से आए आप अनेक दूर थे आसतें अच्छा आसें निया बसाई ठंडा पानी दिस ओ लोग आबार बोलते से भाई मुझे मौला यूसुफ साहब से मिलाओगे बोले हाँ हाँ मिला देंगे आप बैठिए तशरीफ रखें एपर उनार जन्य खाना नहीं आसते अरे भाई ये खाने की क्या जरूरत है मुझे मौलाना से मिला दो हाँ हाँ मिला देंगे आप खाना खा लीजिए तूने खाना खाई छे खाना खावर पर बोलछे अरे भाई अब तो मिला दो एतक्षण धरे तुम्हारे कहतेछि तुम पांखा करो पानी दाओ खाना खावाओ तुम्हारे बोलतेछि मौलाना यूसुफ साहेबेर साथे एकटु देखा करो एखन तुम देखा कराए दाओ तो मौलाना यूसुफ साहेब बोलतेछे हाँ जी बोलिए क्या बोलना है लोग मुझे ही यूसुफ कहते और कि बोलबेन बोलें मानुष आमाके यूसुफ बोले तो ये लोग बोलछिलेन हाँ मुझे समझ में आ गया पूरी दुनिया में तबलीग क्यों चल रही है हाँ अमर बुझे आसते पूरा दुनिया तबलीग केनो चले और हम बुझे लेसी पूरा दुनिया से तबलीग भाग केनो ठीक ना ओ लोग बुझे जेमन पूरा दुनिया तबलीग केनो चलछे ओ एक ही कारण तबलीग भांगछे ओ जिनिसटाई चले गेछे ओ आखलाकटाई चले गेछे तो ओ लोकगुली जखन नाकि बांगलेवाली मस्जिदे नामाज पढ़ते आसछे मौलाना यूसुफ साहेब रहमतुल्लाह अलैह देखछेन देखे चेहरागुली मने हइतेछे भिन देशी गेटअप आछे ना एकटा तो काछे गिये बोलछे बाबा तुमरा कोत्थेके आसछो कहाँ से आयो तो तारा बोलल हम फिजी से आए फिजी कहाँ है ये बहुत दूर है अच्छा तो रहो हमारे पास तुम्हारा किस जन्य आसछो बोले हम घूमने आए हैं बोले यदि घूरते ही आइसे थको तहले तो सुविधा हमारे एखाने एकदिन थको खावा दावार व्यवस्था हमें करब ओराव चिंता करछे भलो ही तो सारा दिन एकदिन रेस्ट निलाम खावा दावाओ फ्री तो तारा एकदिन थाकछे मौलाना यूसुफ साहेब रहमतुल्लाह अलैह प्रतिदिन फजरेर परे बयान करतें ओनार परे मौलाना उमर पालन करी रहमतुल्लाह अलैह सारा जीवन बयान करतें सकालबेला मौलाना यूसुफ साहेब रहमतुल्लाह अलैह बयानेर परे ওই যুবকগুলি মৌলানা ইউসুফ সাহেবের কাছে আইসা বলছে হুজুর হামারে বস মে তো নেই হাম রহে আমাদের ভিসা ইত্যাদির সময় শেষ আমরা তো থাকতে পারবো না তো আপসে দরখাস্ত করতে হ্যাঁ আপ হামারে ফিজি মে জামাত ভেজি আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছি যে আপনি আমাদের ফিজিতে জামাত পাঠান আমরা ওই জামাতের কি করব নুসরত করব সাহায্য করব এইটা বলে তারা চলে গেছে মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি 63 64 65 তিন বছর চেষ্টা করছেন কিন্তু তখন বিদেশি জামাত হইত না ওই সময় উনি ইন্তেকাল করলেন 65 তে আজকে অনেক লোক আছে তার কথা নকল করে বলে এই সমস্যা এখানে মহব্বত করে একটা কথা আমি আমার ভাই এই জন্য বন্ধু মহব্বত করে বললাম কিরে কখন আসছো বলে যে এখন আসলাম আরে বেটা দুপুরের সময় আসে কেউ খাইতে ভাগ আমারে না আবি না তুই যা আচ্ছা এই তো আমি তারে বলছি মহব্বত আছে সেও বুঝছে যে এটা আমারে কি কইছে
আমার দেখা দেখি আরেকজনে আইসা এইটাই কয়, এই সময় আইসতকে যা তো খাবা দিয়ে ধরবো, কি কইলি তোর বাড়ি যাইছি আমি। তার কারণ এ নকল করছে, এই ভিতরে সম্পর্ক নাই আর বাহির দিয়ে কথা নকল করছে, এর চেয়ে বেশি কমুনা অনেকে কষ্ট পাবে। আবার মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি তো বলছেন তার ভিতরগত শক্তি দিয়ে, অনেকে এই কথাগুলি মুখস্থ চালাই দিতে চান। তো মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি